आपने विश किया आपकी बेगम की बर्थडे। मैंने रात नहीं कर दिया था भाई, और कितना पीछे पड़ोगे। गाइस तो ये क्रैब जिंदा है और ये छोटे छोटे क्रैब्स आप देख सकते हैं। सूप और चिकन कौन भी है? गाइस तो ये अभी चाउमीन बन रही है, वो कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और यार वैसे एक बात है, चाइनीज कितना इजी बनाते हैं इसको खाना, और आज मैं इसको तोड़ी तो मुझे लिटरली ये नहीं टूट रहा। तो गाइस ये हमने ले लिया है इनका केक और ये हमने खोला दरवाजा एंड यू कैन सी आई कैन फ्लाई। हेलो 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 गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो मालिक व्हाट सीन ये है कि आज है मामा की बर्थडे, सो आज हम मामा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हमारा कहाँ का मूड बनता है। वैसे तो मूड हमारा राशिद सी फूड का है, तो अभी हम लोग बस वहीं जाने की कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ साथ रहे। मैं मामा की बर्थडे आपको दिखाती जाती हूँ। मामा एक साल और बड़ी हो गई हैं, हम भी एक साल और बड़े हो जाएंगे इसमें। वैसे बड़ी तो इस साल तो मैं अपनी जो बर्थडे मनाऊंगी ना, अभी मेरी मम्मा बना रही हैं स्वीट 30 बर्थडे, मैं हूँ अभी स्वीट 15 की, ठीक है। तो ये वाला अभी सीन हो गया, सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं भाई। अब हमारे साथ रहे, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती आती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गाइस तो इनकी है बर्थडे आज, आप कुछ कहना चाहेंगी आवाम से? आवाम देख रही है आपको। मामा हैप्पी बर्थडे बोलो गाइस। सो नुमान मामा की बर्थडे आपने विश किया? आपने विश किया आपकी बेगम की बर्थडे। मैंने रात नहीं कर दिया था भाई, और कितना पीछे पड़ोगे। तो गाइस आज अम्मा की बर्थडे, आज हम आए हैं राशिद सी फूड एंड नाउ हम ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं। व्हाट इज यू सेइंग? भैया मैं बर्थडे की विश ना करूं, मरना है मैंने। देखो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ रहे, अभी हम लोग ऑर्डर देने जा रहे हैं। बस हम लोग साथ साथ चलते हैं और मैं आपको दिखाती जाती हूँ। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं तो लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा है। सब एक ही काटा होता है। गाइस तो ये क्रैब जिंदा है, नुमान ये जिंदा है, अरे ये देखो जिंदा है। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, अब ऑर्डर उन्होंने बोला है कि 40 मिनट के बाद आएगा। हमने दिया है हीरा एंड मुश्का, 1 किलो हमने प्रॉन करवाए थे जिसमें आधा किलो की हमने कढ़ाई करवाई है और आधा किलो के हमने ग्रिल कराए। सो लेट सी, यहाँ की इतनी आवाम आई हुई है, यहाँ पे इतनी आवाम आई हुई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि हम लोग जब एंटर हुए तो वहाँ के कोने तक पार्किंग हुई हुई थी। तो बस अभी हम देखते हैं कि जितना हाइप्ड है और आवाम यहाँ पे बार बार आती है। हमने चार क्या हॉट एंड सॉर सूप भी कराया जिसमें क्रैब होगा। तो अभी जब हम लोग गए थे ना तो क्रैब था लाइक 2100 रुपये किलो, जिसमें 2 क्रैब्स थे। तो ये मैं आपको बताती जाती हूँ, जो लोगों को आना है केमाड़ी की तरफ जो बना हुआ है, तो इस वजह से ना मतलब मैं आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ जो हम लोग करते जा रहे हैं। तो बस अब जैसे ही खाना आता है वैसे मैं आपको दिखाती हूँ, और जो जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। से हाई टू मामा। तो इनकी बर्थडे है तो आज हम यहाँ आए हुए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे साथ चलते जाएं आप लोग। यहाँ पे और भी बने हुए हैं जिसमें ये क्रैब सूप है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ डेजर्ट बार भी है, यहाँ क्रैब सूप भी है और ये छोटे छोटे क्रैब्स आप देख सकते हैं। सूप और चिकन कॉर्न भी है। चिकन कॉर्न भी है और क्रैब सूप। चिकन कॉर्न के मतलब चिकन है या फिर उसमें क्रैब ही डलता है? जी चिकन कॉर्न, वो क्रैब कॉर्न होता है, चिकन कॉर्न होता है। वाओ नाइस। तो आज हम पहली बार हमने ऑर्डर भी किया है, अभी यहीं से ही आएगा। सो नुमान आप क्या कहेंगे? यार पहली बार ट्राई कर, मैंने सुना बहुत अच्छा। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है यहाँ की, तो लेट्स सी आप लोग मेरे साथ रहे और आप देखते जाएं, जैसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैसे हम आपको भी एक्सपीरियंस दिखाते रहते हैं। तो गाइस अब हम लोग आए हुए हैं राशिद सी फूड के नॉर्मल्स के ऊपर, जहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं। फ्राइज बन रहे हैं और यहाँ पे और क्या क्या मतलब तो गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो सूप हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो सी फूड हो। तो जब भी आई थिंक सो इतना रश है माशाल्लाह से, वो दूर तक लाइन है। और हमने बोला यार नुमान आप क्या कहेंगे यार,
क्योंकि आवाम इतनी है, आज फ्राइडे का दिन है, हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि मामा का बर्थडे है तो हम इसलिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ इतना रश है तो माशाल्लाह से बहुत आई थिंक बहुत अच्छा खाना होता होगा। ये अभी हम खाएंगे तो हम आपको बताते हैं। ये बना रहे चूमन बना रहे उसको गाइस, तो ये अभी चौमिन बन रही है, वो कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। इन्होंने अभी इसके अंदर सॉस डाला है, चीज़ें डाली हैं, अभी इसमें गाजर और कैबेज जा चुकी है और इसमें और भी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डाली हैं, अभी हमें नज़र नहीं आ रहा बट इन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं। गाइस तो ये ऐसा बन के निकला है, आप लोग भी देखें और बहुत मज़े का लग रहा है। गाइस तो ये अभी ये क्या है, क्रैब सूप मैम, ये क्रैब सूप है और मेरा बेटा उठा लो, चार क्रैब सूप आ गए हैं, अभी हम टेस्ट करेंगे तो फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे हैं ये। अच्छा एक गुलाब जामुन कर लो और एक फिश एंड चिप्स, आखिर में गुलाब जामुन एक फिश एंड चिप्स अभी ले आ। तो गाइस हम इसको अभी तोड़ रहे हैं और यार वैसे एक बात है, चाइनीज कितना इजी बनाते हैं इसको खाना, और आज मैं इसको तोड़ी तो मुझसे लिटरली ये नहीं टूट रहा, टूट जाएगा है तो वैसे बड़े मजे का, जो एक एक थोड़ा थोड़ा वो आ जाए, फ्लेवर बहुत है इसके अंदर, बट इसको तोड़ना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। तो गाइस अब हमारे पास आ चुका है, क्या आया है नुमान, फिश एंड चिप्स आया है। सो नुमान बताएंगे कैसा है सॉस, कैसा है? अच्छा है, सॉस अच्छा है। सो अब हम भी ट्राई करेंगे यार, सॉस तो दो यार, कोई मुझे सॉस ही नहीं दे रहा, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। मजे का, बहुत मजे। गाइस तो मैंने अभी प्रॉन लिया है और मामा अभी खा रही है। मामा कैसे है, कैसी बनी हुई है? नमक पापा आप बताएं कैसी है? नुमान सही। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ, सो नाउ लेट्स सी के कैसी है। नुमान बहुत मजे की है, मुझे बहुत पसंद आई। प्रॉन कढ़ाई है, बहुत ज्यादा मजे की। गाइस तो ये हैं फ्राइड प्रॉन, नुमान एक चखेंगे एंड बताएं कैसे। अच्छा है। गाइस तो मामा ट्राई कर रही है फ्राइड प्रॉन, कैसे है? मजे के, फ्राइड वाले प्रॉन ज्यादा मजे के, कढ़ाई कढ़ाई के हिसाब से इन लोगों को प्रॉन मजे के लग रहे हैं, तो अब मैं भी ट्राई करूंगी एंड ये हम ट्राई करेंगे। फ्राइड प्रॉन भी मजे के हैं, अभी तो मैंने मछली ट्राई नहीं किया, मैं मछली ट्राई करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने सारा खाना फिनिश कर लिया है, वैसे सारा खाना ऐसे फिनिश नहीं हुआ है, दोनों जो फिशेस हैं वो रहती हैं और क्या हुआ। तो गाइस अभी दोनों जो मछलियां हैं वो बची हैं अभी तक हमने, क्योंकि एक मछली ऐसे है और एक मछली ऐसी है, तो अभी मछलियां तो बची हैं जो हमने सोचा घर पे जाके अपने जो बिल्ले हैं वो भी तो हमारा फर्ज है ना घर का, तो उनको खिला देंगे, दो बिल्ले दो बिल्लियां उनको खिलाएंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं पापा, बस पापा इज लाइक कि बस बिल्ले बिल्लियाँ, तो हमने बोला भाई चलो बिल्ले बिल्लियाँ भी खाएं, क्योंकि भाई मामा की बर्थडे है और वो तो बच्चे हैं उनके, तो जाहिर सी बात है उनका भी तो फर्ज है ना। तो खैर अभी तक खाना खत्म हो चुका है और अब आ रही है गुलाब जामुन गरम गरम, सो बस अब उसका इंतजार है, वो जैसी आती है मैं आपको फौरन दिखाती हूँ। तो गाइस गुलाब जामुन आ चुकी है गरम गरम, सो अभी मामा खाएंगी, कैसी है कैसी है। पापा का तो दिल खुश हो गया, ये उठाई मामा ने गुलाब जामुन और ये पूरी एक साथ खाऊंगी, मामा बोले पूरी एक साथ खाएंगी वो। कैसी है? बहुत मजा। कैसी है नुमान? अच्छी है। आपस की बात है, आपकी बहन को तो मीठा पसंद ही नहीं है, तो उसके लिए ऑफ सीन है, पूरी फैमिली कह रही है कि बहुत अच्छी है, तो हम इसको देंगे। हम सो बस अभी हम लोग निकलने की करेंगे बिल विल करके, तो आप लोग मेरे साथ रहें।
घर पे जाके दिखा। तो गाइस ये हमने ले लिया है इनका केक और ये हमने खोला दरवाजा एंड यू कैन सी मामा को हमने बिल्कुल बच्चा बना दिया है। दो बलून्स भी हैं मामा के हाथ में। मामा आप बलून के पीछे शक्ल क्यों छुपा रही हैं? बाहर निकलें, बर्थडे गर्ल आ रही है बलून्स लेके हैं। खुशी खुशी बलून, खुशी खुशी बलून कैसे पकड़ी है ये? बलून गिफ्ट है मामा का। चले बाहर आए आप बलून्स पकड़ के और आप ये आप ही पकड़ के जाएंगे, हम नहीं पकड़ेंगे इन बलून्स को। मैंने आपका मन पसंद बच्ची ली है, मन पसंद ही है, जब भी देखो आप ये खा रही होती। गाइस तो अब हम लोग माचिस जला रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग माचिस जलाने का काम करते ही हैं जिंदगी में, बट आज पापा अच्छी वाली माचिस जला रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट करेंगी मामा भाई, बलून्स पकड़ के मामा एक हाथ में बलून्स और एक हाथ में केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके हाथ में मोबाइल है। चलो हैप्पी बर्थडे, वही हमारे हाथ में हुआ था, हमने ऐसे 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 करके जो है तालियां बजा रही है। क्या कर रहे हैं भाई यार, घोड़ा चल रहा है यहाँ पे। ये खाएंगी मामा? नहीं भाई मैं इतना नहीं खा सकती। आपके तो अच्छे भी खाएंगे। तो गाइस मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें दिखाई आज के, आज मेरी मामा की बर्थडे थी और आप लोग भी उनको बर्थडे विश करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे और आप लोग का रिप्लाई भी करेंगे और बस उनको अपनी दुआओं में याद रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप हैं तो हम हैं और आप लोग नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। हमें बहुत सारी दुआएं दें, उनको भी बहुत सारी दुआएं दें और मैं आप लोगों के लिए भी बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।